तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन अगर इस प्रकार के आप लोगों को दिखे, देखिए एमसी में क्या है, इसमें सारी संख्याएं अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ और देखना है, ये जो करनी है सबसे बड़ी करनी है, और ये वाली करनी है ये भी बड़ी है, और इस करनी के अंदर ये वाला है ना कि ये वाला है, और फिर इस करनी के अंदर ये वाला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसमें से ये आंसर है और इसको इससे ही उतार लेंगे पहले ये वाला, तो 10 प्लस और ये हो गया कितना 25, और प्लस और ये 108 है ना, तो 108 ले लीजिए। देखिए छोटा सा हमने करनी बनाया, फिर देखिए प्लस है और ये 154 यहाँ पे ले लेंगे, 154 हो गया। और अब देखिए 225 का करनी कितना होता है, मतलब 15 का ये वर्ग जब आप करेंगे 15 × 15 तो आपका आता है 225, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 25 कर 15 कर देंगे, यहाँ पे 15 हो गया, और इनको आपस में जोड़ देंगे, तो देखिए करनी में 10 प्लस करनी में 25, फिर यहाँ पे देखिए ये जो प्लस है प्लस हम लिख लेंगे, और ये करनी के अंदर 108 है, ये छोटा सा ही करनी है, आपको ध्यान देना है, फिर प्लस कर लीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा देखिए, इन दोनों का हो जाएगा 154 और 15 169 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 10 प्लस करनी में 25, फिर आपका हो जाएगा करनी में प्लस करके 108, और फिर ये देखिए जो 169 जो है आपका हो जाएगा 13 का ये वर्गमूल होता है, ठीक है। तो ये आपका प्लस कर देना है यहाँ पे, और ये 13 का वर्गमूल होता है, जैसे 13 का ये वर्ग करेंगे तो ये 169 आता है, तो हो जाएगा तो 13, अभी ये बाहर आ जाएगा ना जब करनी हम तोड़ेंगे, तो फिर उसके बाद इसको अब इसमें जोड़ देना है, तो देखिए ऐसे ही जोड़ते जाएंगे हम, फिर आपका क्या हो जाएगा 10 प्लस करनी में 25, फिर प्लस 108, और देखिए यहाँ पे 108 हो गया और 13 जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 121 आपको यहाँ पे 121 हो जाएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये तो ठीक है यहाँ पे 121 हो गया। फिर देखिए अब इसको फिर से हल करेंगे, तो 10 प्लस 25 प्लस देखिए अब 121 किसका है वर्ग है, तो देखिए ये है 11 का वर्ग 121 है, ठीक है 11 × 11 जब आप करेंगे तो 121 आएगा, तो ठीक है यहाँ तक। तो अब इसको यहाँ पे 11 लिख देंगे जब करनी से हटाएंगे, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका करनी में 10 प्लस और ये 25 और 11 जब जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा आपका 36। फिर अब देखिए इसको भी करनी से बाहर निकालिए, 10 प्लस अब 6 लेकर 36, 6 का वर्गमूल 36 होता है, ठीक है तो 6 × 6 जब आप करेंगे तो 36 आएगा। तो अब इसको 1 6 निकाल दीजिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है आपका, तो 10 और 6 कितना हो जाता है 16, ये भी करनी में है आपका, तब इसको करनी से बाहर निकालिए तो 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है तो ये 4 यहाँ पे लिख दीजिए, जब करनी हटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इसमें देखिए 4 आंसर आया, तो कौन सा सही हो गया, 3 नंबर। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में दोबारा देख लीजिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा।